तो अलग अलग एस्पेक्ट्स कवर करना है बायलैटरल रिलेशनशिप्स में. सो उसमें फिर डेफिनेटली ट्रेड भी होगा, सिक्योरिटी भी होगा, कल्चरल एजुकेशन है ना, माइग्रेशन. वेलकम टू एबीकेएस. पेपर टू में क्या करना है, कैसे करना है, सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया है. द ओनली थिंग दैट इज रिमेनिंग, जो मुझे लगता है मेरे साइड से आप लोगों को मिलनी चाहिए एंड दैट माइट बी हेल्पफुल फॉर यू इन योर प्रिपरेशन. इवन दो मैं हमेशा ये बोलते आ रहा हूँ कि इस बात का नुमाइंदा हो कि प्रिपरेशन इस तरह से होना चाहिए कि कोई भी टॉपिक एग्जाम में आ जाए आई शुड बी रेडी फॉर दैट. इस तरह से प्रिपरेशन होना चाहिए, इस तरह से कुछ चीज़ें मेरे साथ मेरे पास होनी चाहिए, इस तरीके का फ्रेमवर्क मुझे डेवलप करना है. लेकिन फिर भी वी नो कि बेस्ड ऑन करंट अफेयर्स टॉपिक्स पूछे जाते हैं, वो ऐसे राइटिंग हो या आर्गूमेंट राइटिंग या रिपोर्ट राइटिंग. इसलिए एक सीरीज हम लोग शुरू कर रहे हैं. हर वीक आपको कुछ 7 से 8 टॉपिक्स, मैक्सिमम 10 टॉपिक्स जो है आपके लिए लेके आऊँगा. देर आर चांसेस कि वो टॉपिक्स ऐसे आर्गूमेंट या रिपोर्ट में पूछे जा सकते हैं. ठीक है, आप अपने हिसाब से जो टॉपिक्स आपको लगते हैं कि दे कैन आस्क, डेफिनेटली उनको प्रैक्टिस करो. इन टॉपिक्स को भी प्रैक्टिस कर लो, एडेड ऑन हो जाएगा, कुछ बोनस मिल जाएगा. अगर आ गया तो अच्छा ही है, नहीं भी आता है तो भी अलग अलग कैटेगरी के टॉपिक्स के बारे में लिखने की प्रैक्टिस हो जाती है ना. तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स डिस्कस इन ब्रीफ. मैं बस आपको एक बेसिक आइडिया उसका दूंगा. आपको बस यहाँ से टॉपिक्स मिलेंगे, आपको अपने हिसाब से उसको लिखना है, जहाँ से भी पॉसिबल हो आपके कुछ सोर्सेज होंगे वहाँ से एवेल्युएट करके लेना है और बेस्ड ऑन दैट अपने आप को इम्प्रूव करना है. ठीक है, कुछ टॉपिक्स जैसे कि अब अगर हम ये जो है फर्स्टली हम अगस्त मंथ से स्टार्ट करने वाले हैं. तो इन द मंथ ऑफ अगस्त अगर हम देखते हैं तो हर मंथ का हम लोग अभी करेंगे, हर मंथ का आपके लिए लेके आएंगे. ठीक है, जैसे कि अभी ये 7-8 टॉपिक्स है जो अगस्त मंथ के हैं. उसके बाद फिर नेक्स्ट वीक आपको सितंबर का भी मिलेगा, लाइकवाइज हम लोग जाएंगे. तो मैं जानता हूँ कि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू यू नो फिनिश 8 टॉपिक्स इन 1 वीक, राइट. लेकिन आप अपने हिसाब से उसको करो. ठीक है, लेकिन एटलीस्ट हम लोग कोशिश करेंगे कि एटलीस्ट 15 दिन में तो हम लेके आइए वीडियो, ताकि आपको आपके पास एक लिस्ट ऑफ टॉपिक्स हो, फिर अपने अकॉर्डिंगली आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं. ठीक है, तो ये मेरे हिसाब से दोज टॉपिक्स है विच हैव चांसेस टू बी आस्क्ड इन 2024 एग्जाम, राइट. अगस्त की अगर बात करते हैं तो आईआर रिलेटेड टॉपिक जो है, अगर आपने मेरा वो वीडियो देखा होगा जिसमें हमने वो पीडीएफ आपके लिए लाया है, उसमें एंड में मैंने कुछ पेपर टू की थीम्स बताई है. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो आप प्लीज़ गो थ्रू दैट वीडियो. ठीक है, तो 100 डेज मास्टर प्लान वाला जो पार्ट टू है ना, उसमें वो पीडीएफ शेयर किया और उसमें हमने कुछ कैटेगरीज आपको शेयर किए एंड में पेपर टू की. तो अगर हम पेपर टू की बात करते हैं तो अगस्त मंथ में थोड़ा सा आईआर रिलेटेड टॉपिक्स जो है भरपूर मात्रा में है. फर्स्ट वन इज़ री लुकिंग एट इंडियाज़ नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी. हम लोगों का जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है उसकी तरफ फिर से एक बार देखने की ज़रूरत है. उसके रिगार्डिंग कुछ इंफॉर्मेशन या डेटा या न्यूज़ या चर्चा चली थी, तो उसके ऊपर आपको ऐसे पूछा जा सकता है. वेन इट कम्स टू आयर रिलेटेड ऐसे आपको अच्छा खासा उस पे कमांड चाहिए, तो उसके रिगार्डिंग अच्छा खासा पहले पढ़ लेना उसके बाद लिखना. और वेन इट कम्स टू नेबरहुड इट इज़ नॉट जस्ट पाकिस्तान, राइट, इट इज़ बांग्लादेश टू, चाइना टू, यू नो अदर नेबरहुड्स टू, श्रीलंका भी है, मालदीव्स भी है. तो कैसे फिर किस तरह से हम लोग देख रहे हैं और ओवरऑल कैसे देख रहे हैं. और री लुकिंग एट इंडियाज नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी मतलब ऑलरेडी वी हैव नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, उसकी तरफ फिर से देखने की जरूरत है क्या? अगर है तो क्यों है? अब तक क्या अचीवमेंट्स है, क्या लूपहोल्स रह गए, इसलिए शायद फिर से एक बार उसकी तरफ देखना होगा. अब कौन से नज़र से देख सकते हैं, सॉल्यूशंस भी देना है, इस तरह से इस एसे को लिखना है. उसके बाद आता है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, हम जानते हैं कि अ बज़ वर्ड नाउअडेज़, सो डेफिनेटली दे कैन आस्क समथिंग अबाउट इट. अ डबल एज्ड स्वॉर्ड, तो यहाँ स्पेसिफिकली वो चाहते हैं इस टॉपिक से कि आप अच्छे बुरे दोनों चीज़ों के बारे में लिखें और फिर एक सॉल्यूशन उसका दे अगर कुछ प्रॉब्लम्स है तो, और कैसे हमने आगे बढ़ना चाहिए, व्हाट विल बी द फ्यूचर. देन कम्स देखो कुछ इस तरह भी होता है कि पकड़ लो कुछ नंबर ऑफ स्पेसिफिक ईयर्स अगर हो गए तो UPSC का वो फेवरेट होता है, तो नाटो को 75 साल हो गए हैं, चांसेस कम है इस टॉपिक के बहुत ज़्यादा पूछे जाने की, लेकिन दे माइट आस्क, क्योंकि डेफिनेटली अभी रशिया यूक्रेन वॉर जो हुआ था
उसमें भी नाटो वॉज द रीज़न है ना, तो बहुत ही एक अहम एजेंसी रही है बहुत सालों से, ठीक है। तो 75th एनिवर्सरी है, तो ग्लोबल एंगल से अगर ऐसे पूछना हो तो पूछ सकते हैं, नहीं कुछ तो एटलीस्ट यहाँ रिपोर्ट भी पूछ सकते हैं। नॉर्मली रिपोर्ट इतना ग्लोबल वाला नहीं पूछते, लेकिन यू नेवर नो, क्योंकि 75 साल हो गए हैं, बहुत अहम भूमिका नाटो ने प्ले की है, तो दे माइट आस्क। देन देर आर 90 ईयर्स ऑफ RBI, ये पूछे जाने की चांसेस तो बहुत ज़्यादा है, बिकॉज RBI हैज़ बीन वन ऑफ द प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया, और 90 साल इज़ अ ह्यूज डील, राइट। तो ब्रिटिश पीरियड में ही वो शुरू हो गए थे, और उसके बाद उन्होंने किस तरह से परफॉर्मेंस किया है, किस तरह से उनकी ऑटोनॉमी, किस तरह से उन्होंने इंडियन इकोनॉमी को संभाल के रखा है ना। जब 2008 में सारी दुनिया में रिसेशन आ गया था, उस वक्त भी हम लोगों ने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया था, उसका कारण, एक बहुत बड़ा कारण RBI था, RBI की डिसीजन मेकिंग थी। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में बहुत अहम भूमिका RBI निभाता है, और भी बहुत सारे रोल प्ले करता है, तो RBI के बारे में अच्छे से देख लेना और उसके बारे में प्रिपेयर करना। उसके बाद 5th टॉपिक जो आपका है वो है टेक्नोलॉजिकल पेनेट्रेशन इन इंडियन आर्मी। मुझे लगता है मैंने कहीं किसी करंट अफेयर से वो ये टॉपिक उठाया है, क्योंकि ये जो है ना सिक्योरिटी वाला हम लोगों का तो CAPF का है, तो टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी दोनों का कॉम्बिनेशन इस ऐसे में है। तो कौन कौन सी चीज़ें अभी ऐड की है, सिर्फ इतना नहीं लिखना है, उसका क्या रिजल्ट है, पिछली चीज़ें क्यों इरेलीवेंट हो गई, अभी कौन सी चीज़ें नहीं आई हैं, उसके क्या प्लस और क्या निगेटिव है। हाँ, अगर टेक्नोलॉजी पेनेट्रेशन की बात करते, लेकिन हर चीज़ हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, हम कहाँ खड़े हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हम लोगों का कहाँ है, सब कुछ यहाँ आएगा, तो ये आपको यहाँ लिखना है। उसके बाद है ब्रिक्स 2.0, ऑब्वियसली बहुत ही करंट बेस्ड टॉपिक है, तो आप उसके बारे में पढ़ के उसके बारे में लिख सकते हो। देन कम्स UK इंडिया रिलेशनशिप, उस वक्त जो है मुझे लगता है अगस्त में कुछ उसके रिगार्डिंग एक्टिविटी हुई थी, तो वो क्या हुई थी वो देख लेना, और उसके रिगार्डिंग देखो कोई भी IR रिलेटेड टॉपिक आता है तो अलग अलग एस्पेक्ट्स कवर करना है बायलैटरल रिलेशनशिप्स में, सो उसमें फिर डेफिनेटली ट्रेड भी होगा, सिक्योरिटी भी होगा, कल्चरल, एजुकेशन है ना, माइग्रेशन इन द सेंस व्हेन पीपल गो फ्रॉम वन कंट्री टू अदर, और वो जो है ना, तो ये सारे कल्चरल एस्पेक्ट भी उसमें आते हैं, तो बहुत सारे मतलब जिनको बोलते हैं सॉफ्ट पावर वो भी उसमें आता है, तो जो कुछ है इकोनॉमिक एस्पेक्ट है, सिक्योरिटी एस्पेक्ट है ना, ट्राई टू कवर मोस्ट ऑफ देम, और फिर हिस्ट्री क्या है थोड़ा सा, और बाकी कुछ और चीज़ों के इम्पैक्ट हुए हैं क्या, फॉर एग्जांपल UK जो है वो हमारे परमानेंट सीट को सपोर्ट कर रहा है क्या, ये जो सारी चीज़ें हैं इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करना ज़रूरी हो जाता है। एंड द लास्ट एंड अ बिट ऑफ पॉलिटिकल इशू हम जिसको बोलते हैं, जो थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी है लेकिन ज़रूरी है उस चीज़ के बारे में बात करना, क्योंकि उस तरीके के डेवलपमेंट्स हुई है, एंड दैट इज़ द इलेक्शन कमीशन, द ऑटोनॉमी इन क्रॉस चेयर्स। सो अगर हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि इलेक्शंस जो है वो फ्री एंड फेयर होना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए ये जो इलेक्शन कमीशन नाम की बॉडी है, किसी ज़माने में TN सेशन जैसे लोगों ने जिस तरह से उसको एक उसका एक ऑरा खड़ा किया है ना, उसको टूथलेस टाइगर से उसके सही ताकत की जो पहचान दी है, उस इलेक्शन कमीशन की आज क्या कंडीशन है उसके बारे में फिर एक बार बात करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। सो द इलेक्शन कमीशन, द ऑटोनॉमी इन क्रॉस चेयर्स, ये एक बहुत ही अच्छे से पढ़ के इसके बारे में और उस लैंग्वेज में आपको लिखना है, ठीक है। तो दीज आर द टॉपिक्स विच आई थिंक कैन डेफिनेटली हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन, सो गो थ्रू दिस टॉपिक्स एंड ट्राई टू यू नो राइट ऑन देम, ट्राई टू प्रिपेयर देम डेटा वाइज, डाइवर्सिटी वाइज, और फिर गेट देम इवेल्युएटेड, एंड यू नो डेफिनेटली दे विल हेल्प यू इन पेपर टू प्रिपरेशन, ओके। तो ऐसे ही ऑल टॉपिक्स जो है मंथ वाइज हम लोग लेके आएंगे, अपने स्पीड से अपने हिसाब से आप लिखना, लेकिन कोशिश ये करना कि मैक्सिमम आप ये जो है वो कवर ही करो, इसके अलावा आप अपने भी करो, ये मेरे साइड से जो मुझे लगते हैं दे कैन बी आस्क्ड, ये हम लोग शेयर कर रहे हैं। तो ये अब तक पिछले साल तक हम लोग ये इनिशिएटिव नहीं ले रहे थे, पहली बार हमने इस तरह से ऐसा कुछ किया है, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा फिर क्या हो जाता है कि बिल्कुल ही हम लोगों का कम्युनिकेशन होता नहीं है, और आपको लगते रहता है कि सर कुछ टॉपिक शेयर कर दिया करो, तो दीज आर सम टॉपिक्स, राइट। बाय द वे इसके रिगार्डिंग रिपोर्ट भी पूछ सकते हैं, 90 ईयर्स ऑफ RBI के लिए रिगार्डिंग रिपोर्ट भी पूछ सकते हैं, और ये जो है AI जो डबल ए शॉर्ट है इसके रिगार्डिंग आर्ग्यूमेंट भी पूछ सकते हैं, या ऐसे पूछ सकते हैं, ओके। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है, तो दोनों तीनों एंगल से इसको प्रिपेयर करना, AI को, आर्ग्यूमेंट और ऐसे, नीचे दो जो है वो ये इसको भी यहाँ भी जो है ये रिपोर्ट के एंगल से प्रिपेयर किया जा सकता है, ठीक है। और इलेक्शन कमीशन वाला भी आर्ग्यूमेंट या ऐसे, ये दोनों एंगल से आप प्रिपेयर करो।
ठीक है भाई, टॉपिक्स है, हमने सोचा कि ये ऐसे के टॉपिक्स है तो आप ऐसे के हिसाब से प्रिपेयर करके जाओगे, लेकिन यूपीएससी अपने हिसाब से पूछेगा ना, तो हमको वो भी सोच के रखना है। तो इस तरह से आप इसको करो, इसमें कुछ भी डाउट है लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। मंथली टॉपिक्स आपके लिए लेके आएंगे, और कुछ बेहतर कर सकते हैं तो लेट अस नो, ठीक है। थैंक यू।